आईज बंद रखो, ओपन नहीं करना। तो भैया अभी बज रहे हैं सुबह के, कहाँ गया बटन यार, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और अभी करनी है आपके भाई को अभी करनी है आपके भाई को पैकिंग, क्योंकि आज अपन जा रहे हैं बाहर। अभी जा रहे हैं दिल्ली, एंड दिल्ली से जाएंगे नैनीताल। नैनीताल का सीन ये है कि अभी कुछ दिन पहले मेरी थी फर्स्ट एनिवर्सरी, सो उसमें कायदे से कहीं जाना तो चाहिए था, बट हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारी मैडम का कुछ एग्ज़ाम था इम्पोर्टेंट, तो इसलिए समय निकाल नहीं पाए। इसलिए अब हम जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल के पहले प्लान ये था कि हम दिल्ली में ही मिलते हैं, वहीं पे 2-3 दिन घूमेंगे एंड अपने अपने रास्ते निकल लेंगे। बट जितने में वहाँ दिल्ली में होटल हमें मिल रहा है, उतने में हमारी पूरी नैनीताल की ट्रिप हो रही है, तो इसलिए बेटर ऑप्शन नैनीताल था, तो इसलिए नैनीताल जा रहे हैं। पैकिंग तो मुझे कल कायदे से कर लेनी चाहिए थी, बट कल मुझे समय नहीं मिला क्योंकि कल मैं व्लॉग एडिट कर रहा था एंड अभी अपलोड हो रहा है, एंड कुछ फ़ोटोज़ भी एडिट करके अपलोड करनी थी तो वो भी अभी हो रही हैं, तो कल पूरा दिन इसी में निकल गया। तो आज और अभी अपन करेंगे पैकिंग क्योंकि शाम की मेरी ट्रेन है। बाय द वे मैंने ये कैट्स अडॉप्ट करी हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 3-4 महीने हो रहे हैं। एंड एक फीमेल है जिसको अभी खाना दिया, एंड दूसरा है मेल, उसको भी अभी दिखाते हैं। वो बस दिन भर सोता रहता है, खाता है और सोता है और हल्ला करता है, ये 3 काम है उसके। तो मिलवाते हैं नवाब बिल्ला से। ये वाली थोड़ी सी बदमाश है, इसके ज़्यादा पास जाते हैं तो ये पंजा मारती है, तो इससे थोड़ा अपन डिस्टेंस बना के रखते हैं। इस मामले में ये ठीक है। Few moments later. हाँ तो भैया अपना खाना वाना तो हो गया है, एंड फ्राइडे की नमाज भी हो गई है और पैकिंग भी लगभग हो गई है। जूते रखने रह गए हैं, जूते का थोड़ा सा मामला समझना पड़ेगा। चॉकलेट फ्रॉम कराची बेकरी हैदराबाद, खुशबू तो अच्छी है, मज़ा आ गया, तो चॉकलेट है। तो भैया पैकिंग हो चुकी है एंड अब ये अपन को रखने हैं जूते। यार अब जूते देख के आप जज मत करना, कपड़े भले ही मैचिंग के हो ना हो, मतलब उसमें अपन भले ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट शूज़ में अपन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो शूज़ अपने को एकदम चाहिए मैचिंग के, तो इसलिए अपन लेके जा रहे हैं 3 जोड़ी जूते और एक पहन के, तो टोटल अपन लेके जा रहे हैं 4 जोड़ी जूते। एंड इन जूतों के चक्कर में हमारे बैग का वज़न भी काफ़ी बढ़ जाता है, बट कोई बात नहीं। तो भैया अभी बज चुके हैं शाम के 5:15 एंड अपनी ट्रेन है 7:30 बजे, एंड पैकिंग वैकिंग सब हो गई है, बस इंतज़ार कर रहे हैं निकलने का। और कैमरे में अपन लेके जा रहे हैं ये अपना सोनी A7S3 न्यू वाले लेंस के साथ, और एक लेंस लेके जा रहे हैं ये टैमरॉन का 35-2150 f/2.8, ये लेके जा रहे हैं थोड़ा लैंडस्केप के लिए, क्योंकि ये तो वाइड है, इसमें तो जूम तो होगा नहीं, तो जूम के लिए अपन ये यूज़ करेंगे। और ये छोटू बैग लेके जा रहे हैं फ्री वाला, और बैटरीज हैं, यही सब है। यार मौसम तो बहुत ही बढ़िया सा हो रहा है, हवा चल रही है, लगता है बारिश होगी। ये सब तो रख लिया अपन ने, एक चीज़ तो रह गई, मैडम का एनिवर्सरी गिफ्ट, एंड इसके बिना एंट्री नहीं है, तो इसको तो ज़रा संभाल के रखना पड़ेगा।
तो भैया अभी हम लोग हैं रास्ते में और बस अभी आधा रास्ता ही आए हैं। ड्राइवर भाई साहब को भूख लगाई थी तब वो कुछ खाने गए हैं और हम बैठे हैं और मैडम गई आइसक्रीम लेने। अब वो आ जाएं तो फिर आइसक्रीम खाएंगे फिर चलेंगे वापस। अभी लगेगा 2-3 घंटे और लग जाएंगे अभी जाने में। ये क्या ले आए? बेल्जियम चॉकलेट। आइस बंद रखो, ओपन नहीं करना। ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट।